नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो हम पिकअप पाइल करेंगे ये उन लोगों के लिए है जो नो कांटेक्ट में हैं, ऑन अ ब्रेक हैं, लेकिन फिर भी अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जिनका आप वेट कर रहे हैं उनका आपकी तरफ उनके इरादे क्या हैं, और अगर फ्यूचर में ये आपके लाइफ में आप ही गए तो ये आपके लिए अच्छा होगा या बुरा होगा। तो आइए देखते हैं रीडिंग में क्या होता है। एंड एज ऑलवेज एवरीबडी, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लाइक्स, कॉमेंट्स, शेयर्स एंड सब्सक्रिप्शन। तहे दिल से शुक्रिया। आपका एक एक कॉमेंट मैं पढ़ती हूँ एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू से थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। आइए पाइल चूज करते हैं। आपके पार्टनर के बारे में सोचें जो फिलहाल आप या तो उनके साथ ब्रेकअप में है या नो कॉन्टैक्ट में है, और ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या आपको उनके लिए वेट करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। तो पाइल नंबर 1 है यहाँ पे रोज क्वार्ट्स, पाइल नंबर 2 है एमेथिस्ट एंड पाइल नंबर 3 है क्लियर क्वार्ट्स। तो आपका पाइल चूज़ करें एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। हेलो, वेलकम। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज़ किया था, आज हम ये फाइंड आउट करेंगे कि क्या आप आपके पार्टनर का वेट करेंगे या करना चाहिए या आगे मूव ऑन होना चाहिए। रीडिंग में जाने से पहले ये कहना चाहूँगी कि ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर ये रेजोनेट नहीं होता है तो पाइल नंबर 2 या 3 देखें। एज ऑलवेज़ थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल योर लाइक्स, कॉमेंट्स एंड सब्सक्रिप्शन। अगर आप मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि ये फ्री नहीं होती है, इसके कंसल्टेशन चार्जेस होते हैं, उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर फ्री रीडिंग चाहते हैं तो आप गिव अवे में हिस्सा लें, उसके डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं तो 14th जून से कोर्स स्टार्ट होगा, उसके भी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने रोज क्वार्ट्स चूज़ किया था पाइल नंबर 1, लेट्स फाइंड आउट कि आप को आपके जो पार्टनर हैं उनके लिए वेट करना चाहिए या नहीं। तो ओवरऑल एनर्जी है, स्टॉप फोकसिंग ऑन दिस सिचुएशन फॉर अ वाइल एंड जस्ट ब्रिंग योर अवेयरनेस विद इन, क्लोज योर आइज, रिलैक्स एंड लेट गो, टेक अ वॉक इन द पार्क और डू वॉट एवर इट टेक्स टू डिटैच, अ सोल्यूशन विल सून बिकम ऑब्वियस एंड ऑल विल वर्क आउट फाइन। ये कितना करेक्ट और ब्यूटिफुल है ये कार्ड, मैं आपको आई होप ठीक से समझा पाऊँ बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो सिचुएशन आपके लाइफ में है आप उस पर ध्यान देना थोड़े टाइम के लिए छोड़ें और खुद पे ध्यान दें। आपकी आंखें बंद करें, शांत हो जाएं, रिलैक्स हो जाएं और ये जो मसला है इसको लेट गो करें, इसको आप छोड़ दें। चाहे तो आप एक पार्क में वॉक लें, कुछ भी करें जिससे आपको ये जो आपका सॉल्यूशन प्रॉब्लम है उससे आप डिटैच हो जाते हैं, उससे आप कट ऑफ हो जाते हैं। ये आपका जो मसला है उसका सॉल्यूशन बहुत जल्दी आपके सामने ज़रूर आएगा, यही आपको डिवाइन कहना चाहते हैं। इसका स्टैंड कहाँ पे होगा? ओके, ठीक है, ऑल राइट। तो शायद आप ऐसे हैं जो नॉन स्टॉप दिन रात आपके एक्स के बारे में सोच रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। इसके कारण शायद आप या तो स्ट्रेस्ड हैं, उदास हैं, अपसेट हैं, गुस्सा हैं, कोई और चीज़ पे आप फोकस नहीं कर पा रहे। तो प्लीज़ ये मैसेज आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, थोड़े टाइम के लिए उसको डिटैच करें। मैं ज्ञान देना नहीं चाहती, लेक्चर देना नहीं चाहती, लेकिन आप उनका वेट हंस के भी कर सकते हैं, उनका वेट आप प्रोडक्टिव होके कुछ काम करके भी कर सकते हैं। सिर्फ दुखी होना, रोना, उससे सिर्फ आपको तकलीफ़ हो रही है, जिनके बारे में आप सोचें उनको तो कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ रहा। तो प्लीज़ ये सिचुएशन से डिटैच होके आगे देखें क्या होता है, ठीक है। ये कार्ड्स जो हैं हम जैसे रीडिंग्स आगे जाएंगे वो देखेंगे। रोमांस एंजल से है, सॉरी, विस्पर्स ऑफ लव से है, स्लो डाउन, पॉज एंड अलाउ थिंग्स टू अनफोल्ड। सेम मैचिंग कार्ड्स निकले हैं, आपसे यही कहते हैं कि थोड़ा आप स्लो डाउन हो जाएं, स्ट्रेस ना हो, ये सॉल्यूशन का आप फुल स्पीड हल ना चाहें कि या जल्दी से रिकंसिलिएशन हो जाए, क्यों मुझे छोड़ा, क्या प्रॉब्लम है। तो ऐसे लगता है कि आपकी जो
एनर्जी है वो बहुत अशांत हो गई है. तो डिवाइन आपको यही कहना चाहता है कि प्लीज़ स्लो डाउन, आप लुक आफ्टर योर सेल्फ एंड प्लीज़ स्लो डाउन. ये भी हम आगे देखेंगे और रोमांस एंजल भी आके देखेंगे रीडिंग में कैसे मैच होता है. और मुनोलॉजी से है बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. तो तीनों कार्ड्स बिल्कुल ही मैच होके आए हैं कि थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहें और थोड़ा मेडिटेशन करें और खुद को बैलेंस करें. ब्यूटिफुल. ठीक है, तो लेट्स बिगिन. आर्क एंजल माइकल, माई गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज़ गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाइस्ट गुड फॉर पाइल नंबर वन. शुड पाइल नंबर वन वेट फॉर हिज और हर पार्टनर. ठीक है, थैंक यू. आई जस्ट होप कि ये रीडिंग से आपको कुछ तो रिलीफ मिले, कुछ तो आंसर्स मिले. बिकॉज पर्सनल रीडिंग्स जब मेरे पास आती हैं तो 80% रीडिंग्स यही होती हैं कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए बहुत शिद्दत से वेट कर रहा है और दूसरा पार्टनर शायद नहीं वापस आएगा और उसके कारण इतना आप दुखी हो जाते हैं, पूरा लाइफ आप स्टॉप करते हैं. तो आई रियली वॉन्ट कि ये रीडिंग से आपको थोड़ा गाइडेंस मिले और थोड़ी आपको क्लैरिटी मिले कि आगे क्या करना है. ठीक है, लास्ट तो पहला क्वेश्चन हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि शायद आपके पार्टनर ने आपको क्यों छोड़ा. ठीक है, फिर हम ये रीडिंग में कैसे टाई होता है देखेंगे. फैमिली रूम है, थॉट्स है, डिस्टेंस होराइजन है, हाउस है एंड चाइल्ड है. ठीक है, तो अगर ये थर्ड पार्टी का अगर सिचुएशन है तो शायद आपके जो पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, शायद आप उनको ऑफिस में मिले होंगे या काम पे मिले होंगे. ये इंसान अपने फैमिली से दूर काम के लिए शायद आपकी सिटी में आए होंगे. इनका घर पे बच्चा है, बीवी है जो इनका वेट कर रही हैं और आई थिंक ये या तो ये वापस अपने फैमिली के पास चले गए हैं या इन्होंने डिसाइड किया है कि आपके साथ ये रिलेशनशिप में नहीं रुक के वापस जाना है. अगर आप शादीशुदा थे तो शायद आपका डिवोर्स हो गया है या आप सेपरेटेड हैं. एक पार्टनर के पास बच्चा है, दूसरे पार्टनर के पास बच्चा नहीं है और सोच सोच के आप खुद को परेशान कर रहे हैं कि इस मसले का हल कैसे निकलेगा. अगर आप यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे तो शायद आपका ब्रेकअप इसीलिए हुआ होगा कि आपके पार्टनर या तो काम के लिए आउट ऑफ सिटी चले गए हैं या उनका कुछ फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है जिसके कारण फैमिली ने शायद आपको एक्सेप्ट नहीं किया. तो ये कारण हो सकता है, आगे देखेंगे. वी विल कम बैक टू दिस. तो नेक्स्ट हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो सिचुएशन है इसमें आपके फीलिंग्स क्या हैं ब्रेकअप के बारे में. आपको फ़िलहाल क्या फील हो रहा है, क्या लग रहा है ब्रेकअप के कारण, आपके पार्टनर के लिए भी क्या लग रहा है और सिचुएशन के लिए भी क्या लग रहा है, ये हम फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी जो फैमिली लाइफ है वो वापस इकट्ठा हो जाए, आपके हस्बैंड या बीवी आपके साथ वापस आ जाएं. आपकी फीलिंग्स यही है कि जो इक्वल गिव एंड टेक शायद आपके रिलेशनशिप में नहीं हुआ था. आप चाहते हैं कि आपका घर फिर से बस जाए. आप हिम्मत से इसकी तरफ पॉजिटिव एक्शन लेना चाहते हैं. शायद आप आपके पार्टनर को फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, फैमिली के थ्रू बुलवाते हैं कि आप पैचअप करें, आप वापस आएं, ये रिलेशनशिप को इतनी जल्दी ना टूटे. तो आप जो हैं डटे हुए हैं कि नहीं कुछ भी हो जाए मैंने मेरी ये शादी बचानी है. अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो इसके कारण अगर आपका सेपरेशन हुआ है तो आप यही चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर है वो उनके कार्मिक पार्टनर को छोड़ के आपके पास आए. शायद आपके कॉमन फ्रेंड्स हैं, शायद आप एक ही ऑफिस में काम करते हैं, शायद आप इकट्ठा काम के लिए ट्रैवल करते होंगे. तो आप की यही एनर्जी है कि आप उनके साथ एक घर बसाना चाहते हैं.
आप कहीं पे दिख नहीं रहा है कि ब्रेकअप के कारण आप आपके पार्टनर पे गुस्सा हैं या आप अपसेट हैं। आपकी राइट नाउ करंट फीलिंग्स यही है कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर जो हैं वो आपके पास किसी भी परिस्थिति में वापस आए, और उसके लिए आप बहुत डटे हुए हैं कि कुछ भी हो जाए मैं कोशिश को नहीं ये करूँ, आई विल नॉट गिव अप। ये आपकी एटीट्यूड है। यू कुड बी डीलिंग विद आप या आपके पार्टनर फायर साइन हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। यहाँ पे अर्थ साइन भी मुझे यहाँ दिख रहा है, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन। तो फिलहाल आपकी अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, बट आपके यहाँ पे थॉट्स और फीलिंग्स ये रिलेशनशिप के बारे में यही है कि आप चाहते हैं कि आपकी फ्यूचर में उनके साथ एक फैमिली बने। अगर आप सेपरेटेड है, डिवोर्स हैं, आप चाहते हैं कि आप आपके पार्टनर के साथ, अगर बच्चा उनके पास है तो बच्चा वापस आ जाए। अगर आप सेपरेशन हैं, शायद डिवोर्स की तरफ जा रहे हैं, तो भी आप चाहते हैं कि आप लोग इकट्ठा वापस आ जाएं। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में और ये सिचुएशन के बारे में। तो लेट्स सी आपके पार्टनर की जो फीलिंग, उसके लिए दूसरा डेक यूज़ करते हैं बिकॉज सेम फीलिंग्स भी हो सकते हैं, है ना। तो लेट्स सी कि और आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। ये कार्ड निकल के आया था, ये हम साइड में रखेंगे एक मिनट। आर्क एंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर वन, शुड दे वेट फॉर द पार्टनर। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या करंट फीलिंग्स हैं ये ब्रेकअप के बारे में और आपके बारे में। ओवरऑल करंट फीलिंग्स उनकी क्या हैं। ठीक है, ऑल राइट, सिमिलर फीलिंग्स हैं। आपसे काफ़ी प्यार करते हैं आपके पार्टनर, उनको रात को नींद नहीं आती, सोते नहीं हैं, डिप्रेस्ड हैं, एंग्शियस हैं। शायद आप उनको छोड़ के चले गए हैं और इसके कारण उनको शायद दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। डेफिनेटली टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकते हैं। काफ़ी स्टेबल है, बिजनेसमैन है, काम में बहुत सक्सेसफुल हैं, हाई पोस्ट पे होंगे, जो भी काम करते होंगे अच्छे से करते होंगे। शायद पास्ट में उन्होंने ऑलरेडी आपको एक प्यार का ऑफ़र दिया है या आपने उनका प्यार का ऑफ़र दिया था, लेकिन उन्होंने वो प्यार का ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं किया। बहुत बोझ में है वो, उनको रात को नींद भी नहीं आती है और बिल्कुल बोझ के तले दब गए हैं। समझ में नहीं आ रहा कि उनको आगे क्या करना है। इच्छा उनकी यही है कि वो जल्द से जल्द आपको कम्युनिकेट करें, आपसे बात करें। शायद आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो दोनों की एनर्जीज एक्चुअली म्यूचुअल हैं कि आप लोग चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े, लेकिन एक पार्टनर जो है वो बात करने से या आगे आने से डर रहा है और दूसरा पार्टनर भी शायद डटा हुआ है कि या तो फिर आपकी ये एनर्जी है कि कुछ भी हो जाए मैं वापस नहीं जाऊंगी, ठीक है मैं उनसे प्यार करती हूँ जो भी है, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू गो बैक। एंड दूसरे पार्टनर जो हैं आपको मना रहे हैं वापस आने के लिए, लेकिन आप वापस नहीं आना चाहते। उनके आपकी तरफ इंटेंट, ओए सॉरी, ये वाला डेक यूज करेंगे। आपके जो पार्टनर है उनकी आपके तरफ इंटेंशंस क्या है। ये तो फीलिंग्स हो गई, वो चाहते क्या है आपकी तरफ और उनका आपकी तरफ एक्शन क्या होगा इन द नियर फ्यूचर। ऑल राइट, स्ट्रेंथ है, यू कुड बी डीलिंग विद अ लियो, यू कुड बी डीलिंग विद अ पाइसीस, हाई प्रीस्टेस है, डबल पाइसीस का डबल कार्ड है यहाँ पे, इक्वल गिव एंड टेक। यहाँ पे डेफिनेटली थर्ड पार्टी का सिचुएशन दिख रहा है। आपके पार्टनर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपके पास वापस आए, अगर आप शादीशुदा हैं, बच्चे हैं, कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपके पास वापस आए या अपने अफेयर में या आप अपनी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है या जो भी है उसमें वो कंटिन्यू करें।
ये सिचुएशन को से जूझने के लिए काफ़ी हिम्मत रख रहे हैं, वो कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनको राइट नाउ आंसर नहीं मिल रहा है। सोच रहे हैं कि मैं कुछ ऐसा सॉल्यूशन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि मैं दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करूँ। कुछ ना कुछ सीक्रेट्स हैं इनकी लाइफ में जो ये आपसे छुपा रहे हैं। शायद किसी और के साथ आपके पार्टनर इन्वॉल्व थे, इसीलिए वो आपका ब्रेकअप हुआ है, और वो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। लेकिन आई थिंक कि ये जो इंसान है वो अभी भी उतना ही इमोशनली वो दूसरे इंसान के साथ भी अटैच है, तो कंफ्यूज्ड हैं। शायद आपसे भी उनको अफेक्शन है, आपसे भी प्यार है, और जो दूसरा इंसान इनके लाइफ में है वो उनके साथ भी है। उनको भी नहीं समझ में, इनको भी समझ में नहीं आ रहा कि उनको कैसे छोड़े। दो चीज़ों में वो बटे हुए हैं कि मैं करूँ तो क्या करूँ। इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं रिलेशनशिप में आपके साथ, लेकिन उनको पता है, यही वो सोच रहे हैं कि मैं इक्वल गिव एंड टेक कैसे करूँगा जब मेरा मन दो तरफों में बटा हुआ है। आपके जो इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी का सिचुएशन है। एक मे बी ट्विन फ्लेम सोलमेट हो सकता है, एक कार्मिक पार्टनर हो सकता है। ये जो इंसान है दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मैं क्या करूँ। इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, लेकिन क्लियरली यहाँ पे ये जो कार्ड है, इसी का सेवन ऑफ सॉर्ड्स का जो कार्ड होता है वो थोड़ा चीटिंग का कार्ड होता है, थोड़ा झूठ बोलने का कार्ड होता है, थोड़ा ये इंसान थोड़ा सा कनिंग होता है थोड़ा। और ये हाई प्रीस्टेस का भी जब कार्ड आता है तो ये कार्ड ऑफ कोर्स सीक्रेट्स का कार्ड होता है, इंट्यूशन का कार्ड होता है। तो आपके इंसान जो हैं, इवन दो उनके फीलिंग्स आपके लिए हैं कि वो चाहते हैं कि शायद पैचअप हो जाए, मे बी सोसाइटी के लिए चाहते हैं, मे बी बच्चों के लिए चाहते हैं, लेकिन कंफ्यूज हैं कि आगे कैसे जाएं, बिकॉज आपके साथ भी फीलिंग्स हैं और जिनके साथ वो शायद हैं उनको भी वो छोड़ना नहीं चाहते। तो थोड़ा सा पॉजिटिव नहीं लग रहा, इन द सेंस कि ये जो इंसान है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हैव योर केक एंड ईट इट टू, कि सब जगह पे उनको अपने मन का चाहिए है। रोमांस एंजल से देखते हैं क्या है। फॉरगिविंग एंड लर्निंग है, वर्थ वेटिंग फॉर है, एंड ट्रस्ट है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं और आपका ट्रस्ट जो है टोटली टूट गया है ये रिलेशनशिप से। आपको ऐसे लगता है कि ये इंसान जो है उसके लिए वेट करना चाहिए, वर्थ वेटिंग फॉर, और आप रेडी हैं कि आप जो भी उनकी गलती थी आप वो गलती को भूल के चाहते हैं कि ये वापस आ जाए। यू आर विलिंग टू फॉरगिव, आप इनको माफ़ करना चाहते हैं, लेकिन ये जो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये शायद अपने जो जिनके साथ आपको छोड़ के जो दूसरी पार्टी के साथ हैं, जो थर्ड पार्टी के साथ हैं, आई थिंक वो उनको छोड़ने के लिए भी तैयार नहीं हैं, और शायद वो आपके पास भी आना चाहते हैं। तो ये थोड़े से इंसान कंफ्यूज लग रहे हैं। आप भी चाहिए हैं और वो दूसरा इंसान भी चाहिए है। तो लेट्स जस्ट फाइंड आउट कि अगर ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएगा तो आपका रिलेशनशिप क्या होगा, आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर होगा। अगर ये इंसान सपोज़ आपके लाइफ में आ गया, आप डटे रहें, आप चाहते हैं कि वापस आए, आप फॉरगिविंग और लर्निंग करना चाहते हैं, ऑब्वियसली दिख रहा है कि आप रात दिन इसके बारे में सोच रहे हैं, आपको एडवाइस आया है कि थोड़े टाइम के लिए सिचुएशन से कट ऑफ हो जाए। तो लेट्स सी कि अगर ये इंसान आपके लाइफ में वापस आते हैं तो आपका फ्यूचर क्या होगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स डबल आया है, यू कुड बी डीलिंग विद अ टॉरस। ओके, हाई प्रीस्टेस वापस है, नाइन ऑफ वॉन्स एम्परर है। ठीक है, अगर ये इंसान आपके लाइफ में वापस आते भी हैं तो शायद अपने बच्चों के लिए या फैमिली के लिए वापस आएंगे। पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। आपसे कम्युनिकेट करेंगे, चाहेंगे कि वो आपके लाइफ में वापस आए, लेकिन
वो आपके तरफ 100% नहीं आएंगे, वो फिर भी बटे होंगे। वो चाहेंगे कि जिनके साथ उनका आपको छोड़ के जो उनके लाइफ में है उनके साथ भी वो रिश्ता रखेंगे, उनके साथ भी वो चाहेंगे कि उनका रिश्ता बना रहे, और इसके कारण आपके रिलेशनशिप में फिर से बहुत स्ट्रेस होगा, बहुत बोझ होगा। शायद आपको कहेंगे कि मैं आपके लाइफ में वापस आऊँगा लेकिन मैं उनके साथ भी रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ। शायद आप इतना चाहते हैं कि वो आपके लाइफ में आए कि आप अग्री कर लें, एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज। या वो आपको झूठ बोल के, सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, वो शायद आपको झूठ बोल के कह सकते हैं कि मैं आपके लाइफ में वापस आऊँगा, लेकिन ऐसा दिखता है कि ये हैप्पी नहीं होगा। ये इंसान दोनों तरफ में बटे हुए हैं, बहुत कंफ्यूज्ड हैं, इनको समझ में नहीं आता क्या करना है। ये जो कार्ड्स होते हैं जब हम जनरल पब्लिक के लिए रीड करते हैं, तो ये एग्जैक्ट आपकी स्टोरी नहीं हो सकती। अगर आपको लगता है कि आपकी स्टोरी है और आप कुछ टैरो से एडवाइस लेना चाहते हैं, तो बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर अ पर्सनल रीडिंग, अगर आप चाहते हैं कि इसका आगे मसला क्या हो निकलेगा। लेकिन राइट नाउ मुझे यही दिखता है कि आप कुछ ना करें, आप वेट करें और देखें क्या होगा। बिकॉज़ अगर आप ज़बरदस्ती ये इंसान को वापस लाने की कोशिश करेंगे, ये 100% आपके साथ नहीं होंगे, ये फिर कहीं और चले जाएंगे। फॉर्च्यून रीडिंग कार्ड्स हैं, ये कार्ड्स मैंने आपके सामने निकाले थे। ये मैंने डिवाइन को बोला था कि पहले हमको ये रीडिंग का जो आउटकम है हमें वो पहले ही देना। बी वेयर सावधान का कार्ड है ये। बी केयरफुल ऑफ हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। ये टाइम पे आप किसी पे भी भरोसा ना करें। और आपको ये सेवन ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया है, आई एम सो सॉरी पाइल नंबर वन, लेकिन आई जस्ट फील कि ये जो इंसान है आपकी लाइफ में नहीं आएंगे तो बेटर होगा। बिकॉज़ आने के बाद भी जो आपको लगता है कि आपको खुशी मिलेगी, ये खुशी नहीं मिलने वाली, ये आपको वो खुशी नहीं देंगे। एंजल से हमने पूछा था कि आपके लिए वो कुछ हमको आंसर्स दें कि अगर ये रिलेशनशिप में आप आगे जाएंगे तो क्या होगा। उसके पहले मैं एक आपके लिए पूछना चाहती हूँ कि अगर आप ये रिलेशनशिप में, बिकॉज़ ये नेगेटिव आया है कि अगर आप ये रिलेशनशिप में आगे जाएंगे तो रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो अब हम डिवाइन से ये पूछेंगे पाइल नंबर वन के लिए कि अगर ये इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर आप उनके साथ वापस नहीं जाते और आप मूव ऑन होते हैं, तो आपके लाइफ में क्या होगा। प्लीज़ गिव एग्जैक्ट आंसर्स फॉर पाइल नंबर वन। इफ़ दे मूव ऑन फ्रॉम ओहो इफ दे मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन हाउ विल देयर लाइफ बी। थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज। ठीक है, वाओ। बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप डिसाइड करते हैं मूव ऑन करने के लिए, तो आपको एक तो डिसीजन लेने में थोड़ा टाइम लगेगा, जो ये कार्ड्स कह रहे हैं, क्योंकि आप आपके जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनको छोड़ने में थोड़ा टाइम लोगे, या आप बहुत कोशिश करोगे कि आप ये रिलेशनशिप को बरकरार रखें। लेकिन अगर आप ये रिलेशनशिप को छोड़ के आगे जाते हैं, तो आपका जो आउटकम है वो बहुत पॉजिटिव है। टू ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ किंग ऑफ सोर्ड्स है, क्वीन किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ कप्स है, एंड सोलमेट ट्विन फ्लेम का कार्ड है, एंड मूविंग टू कामा वाटर्स है। तो पाइल नंबर वन, टैरो आपसे यही कहता है कि जो इंसान आपके लाइफ से चले गया है वो आपके लाइफ में नहीं आएगा, तो आपके लिए बेटर है। आपको वो सुनना नहीं है, मुझे पता है आप गुस्सा हो जाओगे, आप बोलोगे कि अदिति को समझ में नहीं आ रहा क्या कह रही है। आई अंडरस्टैंड कि आपको कितना पेन हो रहा है, बिकॉज़ ये कार्ड्स में मुझे दिख रहा है कि आप कितना सफ़र हो रहे हो। लेकिन अगर मे बी ये लाइफ लेसन है जो आपको सीखना है, और अगर आप ये इंसान को छोड़ेंगे नहीं तो आप वही वही साइकिल में फंसे रहोगे। अगर आप ये इंसान को छोड़ते हैं तो आपके लाइफ में आपका सोलमेट ज़रूर आएगा। बहुत, अगर आप फीमेल एनर्जी हैं तो बहुत एक
फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस आपके लाइफ में आने की शक्य यू नो पॉसिबिलिटी है, संभावना है. अगर आप मैस्कुलिन एनर्जी है तो एक बहुत कंपैशनेट नर्चरिंग इंट्यूटिव लेडी आपके लाइफ में आने की संभावना है एंड यू विल इंस्टेंटली फॉल इन लव विद हर. टू ऑफ कप्स का कार्ड है, प्यार आप दोनों में बहुत होगा और आप बहुत शांति से आपकी लाइफ में आगे मूव ऑन करोगे. तो पाइल टू, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू. आई एम सॉरी कि अगर आप चाहते हो कि आप जिससे ब्रेकअप हुआ है वो आपके लाइफ में आए, तो कार्ड्स ऐसे ही है कि कोई कारण है कि ये आपके लाइफ में नहीं है. अगर लाइफ में वापस आएंगे तो अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो वो चलते रहेगा. अगर एक दूसरे से आप नाखुश हैं शादी में, आप में आपसी कुछ प्रॉब्लम्स है जिसके कारण आप सेपरेट हो गए हैं, वो कहीं और काम के लिए हैं, आप कहीं और हैं, तो वो फैमिली लाइफ, वो खुशी आपको नहीं मिलेगी. अनमैरिड हैं, थर्ड पार्टी है, पेरेंट्स है जो शादी के लिए अग्री नहीं कर रहे हैं, तो भी आई थिंक कि ये जो इंसान है, इनका जो मन है वो दो जगह पे बटा हुआ है. आपके लाइफ में वापस आएंगे तो वो सेम साइकिल रिपीट होगा. अगर आप डिसाइड करेंगे कि इनको छोड़ के आगे जाना है तो आपके लाइफ में डेफिनेटली प्यार आएगा. दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर वन. एज ऑलवेज, प्लीज़ टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू. वेलकम बैक पाइल टू. लेट्स सी आपके रीडिंग में क्या है. क्या आपको आपके पार्टनर के लिए वेट करना चाहिए या आपको मूव ऑन करना चाहिए, जिन्होंने ये पर्पल एमेथिस्ट चूज़ किया था. रीडिंग में जाने से पहले अगर आप मेरे साथ टैरो का कोर्स करना चाहते हैं जो 14th ऑफ जून को स्टार्ट होगा, उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. अगर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो उसके डिटेल्स नीचे हैं. फ्री रीडिंग चाहते हैं तो गिव अवे में हिस्सा लें. 5 लकी विनर्स को मैं चूज़ करूँगी, उसके भी डिटेल्स नीचे हैं. तो आज का टॉपिक थोड़ा सा सेंसिटिव है. जब हम ब्रेक पे होते हैं और किसी का वेट करते हैं तो चाहते हैं कि आंसर पॉजिटिव निकले, लेकिन जैसे टैरो में आएगा मैं वैसे ही पढ़ूंगी. सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. पाइल नंबर 1 या 3 देखें, ज़बरदस्ती इसको अपनी स्टोरी ना बनाएं. ठीक है, तो ओवरऑल मैसेज आपके लिए है, थ्रू द पावर ऑफ लव ऑल शैल अनफोल्ड इन द मोस्ट परफेक्ट वे फॉर ऑल कंसर्न्ड. This card is a blessing from an angel who is here to reassure you that all is well. There is no need to worry. All is bathed in a sea of divine love. बहुत ब्यूटिफुल मैसेज है. मैं हिंदी में आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि प्यार में इतनी शक्ति होती है कि सब कुछ जो है वो पॉजिटिवली और अपने अच्छे के लिए ही परफेक्ट वे में ही इसका सॉल्यूशन या इसका अंत होता है. ये जो कार्ड आपके लिए आया है ये एक ब्लेसिंग की तरह है, आपके लिए एक दुआ है कि आपके इर्द गिर्द ऐसे डिवाइन एनर्जीज़ हैं जो आपको हर चीज़ में मदद करेंगी. यही आपको कहना चाहते हैं कि ऑल इज़ वेल, सब ठीक ही होगा. सच अ ब्यूटिफुल कार्ड. ये आगे रीडिंग में कैसे होगा हम देखेंगे. रोमांस एंजल से हैं, द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव. शिफ्ट योर फोकस बैक टू लव. तो शायद आप नाराज़ हैं, गुस्सा हैं, ये इंसान आपको छोड़ के गया है. तो डिवाइन कह रहे हैं कि आप सिर्फ प्यार पे फोकस करें. ये प्यार आपके फैमिली की तरफ हो सकता है, सेल्फ लव हो सकता है, केयरिंग फॉर एनिमल्स, केयरिंग फॉर अदर्स. आप जो चीज़ों से आपको प्यार मिलता है आप उस पर फोकस करें, एक इंसान पे फोकस ना करें, बिकॉज प्यार सिर्फ एक इंसान से या एक चीज़ से नहीं मिलती. बहुत सुंदर कार्ड है. एंड दूसरा मैसेज आपके लिए है, यू आर गुड इनफ. तो अगर आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप में कुछ कमी है या आप में कुछ खामियां हैं इसीलिए आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है. आपने ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है. आपने खुद को किसी भी ढंग से खुद को कम नहीं सोचना है. यू आर गुड इनफ. तो आप ये कभी भी भूलें ना कि आप के कारण कोई आपको छोड़ के नहीं गया है. उनकी कोई प्रॉब्लम होगी, उनकी कोई मजबूरी होगी. तो अगर आपको लगता है कि आप में कुछ खामी थी या आप में कुछ प्रॉब्लम था, तो डिवाइन आपको कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है. ठीक है,
तो लेट्स गेट इन टू फाइल नंबर टूज रीडिंग. आर्क एंजल माइकल दोनों डेक्स के लिए करते हैं एक ही टाइम पे. आर्क एंजल माइकल, माई गार्डियन एंजल एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस विच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर फाइल नंबर टू. शुड दे वेट फॉर देयर पार्टनर और नो? थैंक यू. तो हम पहले ये देखेंगे कि आपके पार्टनर ने क्या सिचुएशन थी बिकॉज ऑफ विच आपके पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं. ठीक है, पाथवे है, थीफ है, मेच्योर वुमेन है, डिस्पेयर है एंड कोर्टशिप है. ओके, तो जब अगर आप अनमैरिड हैं, शादीशुदा नहीं है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है, तो आई थिंक आपके पार्टनर के जो घर वाले हैं वो अग्री नहीं कर रहे हैं आपको ये रिलेशनशिप में रखने के लिए. उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि आप लोगों का प्यार है या आप लोग इकट्ठा हैं. और जो आपकी जर्नी थी उसमें स्टार्ट से कुछ ना कुछ मुश्किलाहटें आ रही थी जिसके कारण आप लोग आगे नहीं बढ़ पाए. टेंशन्स इतनी थी आपके रिलेशनशिप में कि आप आगे नहीं बढ़ पाए. शायद आपके पार्टनर की जो पेरेंट्स थे या मदर थी या जो थी उनको आप पसंद नहीं आए, आप में उन्होंने कुछ खामियां निकाली और उसके कारण ये रिलेशनशिप ब्रेक ऑफ किया. अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो बहुत क्लियरली दिखता है कि आपके पार्टनर किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए थे, या अगेन मदर इन लॉ का इशू दिखता है कि मदर इन लॉ के कारण ये सेपरेशन हुआ है. ये जो उम्र में एक बड़ी औरत है यहाँ पे ये रीडिंग में, जो जिसने आपके लाइफ से आपका सारा सुख चैन जो है वो चुरा लिया है. आपके पार्टनर, आपके बॉयफ्रेंड आपसे कोर्टशिप करना चाहते थे, आपसे रिलेशनशिप बनाना चाहते थे, लेकिन ये जो उम्र में जो बड़ी औरत है उन्होंने आई थिंक ये रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम्स खड़े किए और आप लोगों को बेजार कर दिया और इसके कारण शायद आपका ब्रेकअप हुआ होगा. तो हम ये पूछेंगे कि आपके फीलिंग्स राइट नाउ ब्रेकअप के बारे में क्या है. व्हाट आर योर फीलिंग्स अबाउट द ब्रेकअप? आप आपके पार्टनर के बारे में क्या सोच रहे हैं और ये ब्रेकअप के बारे में आपके फिलहाल फीलिंग्स क्या हैं? ठीक है, आपके फीलिंग्स देख लेते हैं अबाउट द ब्रेकअप एंड अबाउट योर पार्टनर. ठीक है, ठीक है, आप पूरी तरह टूट चुके हैं, आपने शायद उम्मीद खो दी है. आपके जो आप टॉरस हो सकते हैं या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं, आप लियो हो सकते हैं या आपके पार्टनर लियो हो सकते हैं. मुझे यही दिख रहा है कि ऑफ कोर्स आप आपके पार्टनर को काफ़ी पसंद करते हैं. ये भी एक स्टोरी मुझे दिख रही है कि आप शायद उम्र में ज़्यादा हैं और आपके पार्टनर उम्र में काफ़ी कम है और इसीलिए शायद रिलीजियस फैक्टर्स या किसी के लिए आपका रिलेशनशिप आगे नहीं गया होगा. राइट नाउ ब्रेकअप के बारे में आपको लगता है कि इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है और इसके कारण आपको बहुत खुद पे जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल चले गया है. कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप में कुछ प्रॉब्लम है जिसके कारण ये रिलेशनशिप कम हुआ है. आपने बहुत कोशिश की ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने की, ये रिलेशनशिप को बचाने की. अकेले आपने ये रिलेशनशिप का बोझा आपके सिर पे लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए ये रिलेशनशिप को हम आगे लेके जाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है. आप अभी भी चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप में फिर से एक नई शुरुआत हो और चाहते हैं कि एक प्यार का ऑफ़र आपको मिले. तो इवन दो आपने शायद एक्सेप्ट कर लिया है कि शायद कोई उम्मीद नहीं है, कहीं ना कहीं आप फिर भी होप करते हैं कि ये इंसान आपके लिए वापस आए. डेफिनेटली आपने बहुत कोशिश की है रिलेशनशिप को चलाने की, लेकिन जो अगला इंसान है उनके जो भी प्रॉब्लम्स थे उनके कारण शायद उन्होंने मना कर दिया. और जैसे मैंने कहा कि एक एल्डरली वुमेन है, मेच्योर लेडी है जिसके कारण ये प्रॉब्लम हो सकता है, मदर इन लॉ हो सकती है या आपके पार्टनर की जिनके बारे में आप सोच रहे हैं शायद उनका इनके साथ कुछ एसोसिएशन होगा. एक डिफ़िकल्ट औरत है जिसके कारण ये हुआ था. लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स
आपकी तरफ और ये ब्रेकअप की तरफ क्या है, करंट आपके पार्टनर की फीलिंग्स टुवर्ड्स दिस ब्रेकअप एंड टुवर्ड्स यू राइट नाउ. ठीक है, आपके पार्टनर ज़रूर वापस आएंगे, वो आपसे प्यार करते हैं, वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं. जो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक हुई नहीं थी रिलेशनशिप में, वो सब चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में बैलेंस लाना चाहते हैं. कैंसर हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो सकते हैं, और साइन भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, लेकिन बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं. आपके पार्टनर डेफिनेटली चाहते हैं कि वापस आए, तो मुझे मसला यही दिख रहा है कि या तो यू नो मदर इन लॉ है या माँ है जो मान नहीं रही है, या एक बड़ी औरत जिसने ये शायद यू नो प्रॉब्लम क्रिएट किया था. अगर डिवोर्स सेपरेशन हो रहा है तो फैमिली प्रॉब्लम्स मदर इन लॉ की इंटरफेरेंस या इसके कारण होता होगा, या आप लोग जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है लेकिन द पेरेंट्स और द इन लॉज आर नॉट अग्रीइंग. लेकिन आपके पार्टनर के बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं, आपके पार्टनर आपको सच्चा प्यार करते हैं, प्यार का नया ऑफर देना चाहते हैं, चाहते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक हो रिलेशनशिप में, जो चीज़ें गलत हो रही थी उसको बैलेंस करें, और बहुत डिसिप्लिन से, फोकस से, हिम्मत से वो आपके पास आना चाहते हैं. वेरी ब्यूटीफुल कार्ड्स. ओके, व्हाट आर गोइंग टू बी हिज मूव्स टूवर्ड्स यू, आपके लिए उनके मूव्स क्या होंगे, व्हाट आर देयर मूव्स टूवर्ड्स यू. उसके पहले हम रोमांस एंजल से पूछ लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, सोलमेट. ओके, तो ये जो इंसान है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं. फ्री योरसेल्फ एंड डिसेप्शन. तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये जो इंसान है, एक जो ये मैच्योर वुमेन है, जो बड़ी ये अभी फेमिनिन एनर्जी है, ये कोई भी हो सकता है जो एक्सटर्नल है, आप दोनों में प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड पार्टी का भी सिचुएशन शायद ये पाइल में नहीं होगा, कोई और है जो फैमिली मेंबर है जो आप लोगों को अलग करना चाहता है, और शायद ये औरत ने आपके बारे में झूठ बोला है. अगर आपकी सांस है तो यू नो मे बी पोजेसिव है अपने सन के लिए और आपके लिए झूठ बोला है, या आपके लिए आपके ऊपर कुछ यू नो आरोप लगाए हैं जो मे बी सच्चे नहीं हैं. तो मैसेज यही आता है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं, लेकिन जिनसे फ्री होना है. और ये जो इंसान है जिन्होंने आपके रिलेशनशिप में ये तबाही मचाई है, वो बहुत ही अच्छे नहीं हैं. दुनिया को कुछ दिखाते हैं लेकिन अंदर से बहुत डेंजर हैं ये. तो इनसे आपको बचना है, और इनके चंगुल से कैसे निकलना है ये शायद आप लोगों का यहाँ पे मुझे मसला लग रहा है. तो लेट्स सी कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके आपके तरफ मूव क्या होंगे. वो नहीं, एक्शंस तो हमने देख लिए. ही वॉन्ट्स टू मेक एन ऑफर टूवर्ड्स यू. वो चाहते हैं कि आपकी तरफ वो एक्शन ले और आए. तो अगर वो आपकी तरफ एक्शन लेते हैं तो आपका रिलेशनशिप क्या होगा, लेट्स फाइंड आउट. कि अगर ये इंसान आपकी तरफ आते हैं और आपकी तरफ यू नो प्यार का ऑफर या रिकंसिलिएशन वापस करते हैं, तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप. बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं. अक्वेरियस हो सकते हैं. स्टार कार्ड इज़ माय कार्ड फॉर रिकंसिलिएशन, इट इज़ माय कार्ड फॉर फेथ, इट इज़ माय कार्ड फॉर होप. तो आप लोगों में रिकंसिलिएशन ज़रूर होगा. ये जो इंसान है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत हिम्मत दिखाएंगे. लियो हो सकते हैं, मेंटल क्लैरिटी इनको मिल गई है और वो बहुत पॉजिटिव एक्शन लेंगे. अगर कोई इंसान आपके लाइफ में है जो ये दुविधा क्रिएट कर रहा है या आप में ब्रेकअप क्रिएट कर रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा शायद फ्यूचर में होगा कि या वो मान जाएंगे, उनको मेंटल क्लैरिटी आएगी, या आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हैं ये उनको छोड़ के शायद आपकी तरफ आ जाएंगे. तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स हैं आपके लिए कि आपने फ्यूचर के लिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, रिकंसिलिएशन है, एंड आपका रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव और अच्छा होगा अगर वो वापस आएंगे.
ऑल इन ऑल आई थिंक पाइल नंबर टू बहुत छोटी रीडिंग थी आपके लिए, बहुत क्लियर रीडिंग थी. लेट्स सी ओवरऑल आपका आउटकम क्या होगा. फॉर्चून टेलिंग कार्ड से वर्ल्ड है, ये मैंने पहले निकाला था, ये आप कार्ड्स आपके सामने निकाले थे. वर्ल्ड का मतलब है कि एक साइकिल एंड होना और नया साइकिल स्टार्ट होना इन अ पॉजिटिव वे. बी ओपन टू न्यू पॉजिटिव, बी ओपन टू न्यू पॉसिबिलिटीज़ इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ. तो आई हैव, मुझे लगता है कि ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे. शायद आप दोनों एक दूसरे से बात भी करते होंगे, शायद आपका ब्रेकअप एज सच, मैंने मे बी यू आर स्टिल फ्रेंड्स, और क्योंकि मे बी कॉलेज में इकट्ठा पढ़ते हैं या वॉट एवर, या यू नो सांस नहीं मान रही है, सांस तंग कर रही है, तो यू नो मियाँ बीवी एक दूसरे से बात करते होंगे. लेकिन एक पार्टनर कहेगा कि जब तक वो मेरे से ठीक से बर्ताव नहीं करेंगे मैं वापस नहीं आऊँगी, ऐसा मुझे दिखता है. लेकिन ये साइकिल ज़रूर एंड होगा और आप आपके जो पार्टनर हैं वो आपको रियली वापस आएंगे. मुझे यहाँ पे ये भी एम्प्रेस का कार्ड था यहाँ पे, तो शायद मुझे ये भी दिख रहा है कि मे बी फ्यू पीपल के लिए ये होगा कि शायद आप प्रेग्नेंट भी हैं और तो भी आप छोड़ के चले गए हैं, या पेज ऑफ कप्स भी था तो मे बी आपका एक छोटा बच्चा भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है. तो आई थिंक अच्छा ये कार्ड रह गए, वेरी गुड. ओके, तो हमने एंजल को पूछा था कि एंजल आंसर्स में से आपके लिए क्या है, तो पीसफुल रेजोल्यूशन है. इस ये जो आपके लाइफ में हो रहा है इसका हल जो है वो पीसफुली ज़रूर निकलेगा. और इन्फॉर्मेशन आपको लेना चाहिए कि इसका आप हल कैसे निकालें, एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, कम्युनिकेशन बंद ना करें, और एक अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लाइफ में जिसके कारण आप लोग इकट्ठा ज़रूर आएंगे. तो पाइल नंबर वन, दिस इज़ अ वेरी पाइल नंबर टू, वेरी पॉजिटिव रीडिंग फॉर यू. आपके क्वेश्चन का आंसर यही है कि जी हाँ, अगर आप चाहते हैं तो आपके पार्टनर के लिए वेट करें, आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, रिकंसिलिएशन चाहते हैं, एंड आई हैव अ फीलिंग कि वो जल्दी आपकी तरफ ज़रूर आएंगे. एंड मैं भगवान से सच में मन से प्रे करती हूँ कि अगर ये आपकी स्टोरी है तो जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं वो आपके लाइफ में ज़रूर वापस आएँ. अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. एज ऑलवेज प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. व्हाट यू फोकस ऑन इज़ व्हाट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग. थैंक यू. हेलो पाइल नंबर थ्री, जिन्होंने ये क्लियर कॉर्ड्स चूज़ किया था, आइए देखते हैं कि शुड यू वेट फॉर योर पार्टनर, क्या आपको इंतज़ार उनका करना चाहिए या आपको आगे मूव ऑन करना चाहिए. तो सबसे पहले ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा. अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ पाइल नंबर वन या टू देखें. अगर आप मेरे साथ फ्री रीडिंग चाहते हैं तो गिव अवे में हिस्सा लें. 5 लकी विनर्स को मैं चूज़ करूँगी जिनको फ्री रीडिंग मिलेगा, उसके डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं या मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं जिसका 14th जून से कोर्स सेकेंड बैच जो है वो स्टार्ट होगी, उसके डिटेल्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. तो लेट्स सी आपकी ओवरऑल एनर्जी क्या है. यू आर फोकसिंग प्योरली ऑन द नेगेटिव, बट देर इज ऑल्सो अ पॉजिटिव साइड यू आर नॉट सीइंग. योर मेंटल एटीट्यूड एंड थॉट्स कैन मेक थिंग्स सीम गुड और बैड, ब्यूटिफुल और अगली. ऑल इज अ मैटर ऑफ परसेप्शन, वॉट यू थिंक यू शैल बिकम. बी पॉजिटिव, फॉर बिहाइंड द परसीव डार्कनेस देर इज मच लव, लाइट एंड गुड फॉर्च्यून. ठीक है, तो शायद ये इन लोगों के लिए है मैसेज कि जो सिर्फ सिचुएशन के जो आपके लाइफ में जो हो रहा है आप उसको सिर्फ नेगेटिवली देख रहे हैं, सिर्फ उसकी बुरी बातें देख रहे हैं. लेकिन हर चीज़, जैसे हम कहते हैं कि सिक्के के दो साइड होते हैं, तो हर चीज़ का एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होता है. आपकी सोच और आपकी जो एटीट्यूड है उसी से या तो वो चीज़ अच्छी हो सकती है या बुरी हो सकती है, सुंदर हो सकती है या अगली हो सकती है. आपका सिर्फ देखने का जो नज़रिया है वो सही होना चाहिए, उसी से आपकी जो लाइफ है वो पॉजिटिव हो सकती है. अंधेरे के बाद सुबह ज़रूर होती है और बुरे वक्त के बाद अच्छा वक्त ज़रूर आता है. तो यही आपको कार्ड कहना चाहता है कि थोड़ा लाइफ में पॉजिटिव रहें, हर चीज़ में पॉजिटिव सोच ढूंढने की कोशिश करें. सच अ ब्यूटिफुल मैसेज. बाकी के जो हैं हम ये जैसे रीडिंग आगे जाएगी ना तब देखेंगे, ये अभी चाहिए. ठीक है,
ऑल राइट, मोनोलॉजी से है बिलीव इन द इम्पॉसिबल। तो वापस आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है और ऐसा एटीट्यूड रखना है कि हर कुछ जो भी मैं चाहूँ वो संभव है, इम्पॉसिबल में बिलीव करना है। और रोमांस एंजल से है प्रैक्टिस कंपैशन, सी थिंग्स फ्रॉम अ फ्रेश पर्सपेक्टिव। शायद ये ब्रेकअप ने आपको बहुत बहुत हर्ट किया है और उसके कारण आई थिंक आप शायद चीज़ों को नेगेटिवली लेना आपने स्टार्ट कर दिया है, जो मैं समझ सकती हूँ कि इसमें कुछ सही गलत नहीं है। आपको हर्ट हुआ है और आप गुस्सा हैं और आपको हर चीज़ में अगर नेगेटिविटी दिखती है तो डिवाइन आपको यही कहता है कि प्लीज़ कोशिश करें थोड़ा लाइफ में पॉजिटिविटी लाए, बिकॉज इससे आपको ही अच्छा लगेगा। जो इंसान ने आपका लाइफ आपसे ब्रेकअप किया है, वो मूव ऑन सपोज कर चुके हैं, वो खुश हैं, तकलीफ़ आपको हो रही है, तो आप खुद को तकलीफ ना दें, ये कार्ड आपसे वही कहना चाहता है। ठीक है, एक मिनट। मुझे रीडिंग के वक्त अगर कैंडल्स हो तो अच्छी फीलिंग आती है, मैं ये लगा के देख लगा लेते हैं हम। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दैट। ऑल राइट, तो आगे अभी हम देखते हैं टैरो स्प्रेड में क्या निकलता है पाइल नंबर 3 के लिए। आर्कएंजल माइकल, माय गार्डियन एंजल्स इन द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन, प्लीज गिव अस एग्जैक्ट मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर पाइल नंबर 3। शुड दे वेट फॉर द पर्सन और मूव ऑन, थैंक यू। तो पहले हम देखेंगे कि क्या हुआ था आपके रिलेशनशिप में जिसके कारण ये इंसान आपका ब्रेकअप हुआ था, ये इंसान आपको क्यों छोड़ के गया है। वेल्दी मैन, ऑल राइट, यहाँ पे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन शायद हो सकती है, शायद आपका ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका है, या आप सेपरेशन में हैं, या आपके इंसान जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो एक डिवोर्स्ड इंसान के साथ एक रिलेशनशिप में है। शायद आपका घर छोड़ के चले गए हैं, एक इंसान जो है यहाँ पे वो काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल है और शायद फाइनेंसेस के लिए आपको छोड़ के किसी और के साथ चले गए हैं। दिख रहा है यहाँ पे कि आपका शायद डिवोर्स हो चुका है, या आप सेपरेटेड हैं, या मे बी आप ऐसे इंसान के साथ थे या हैं जो शायद डिवोर्स या सेपरेशन में गो थ्रू हो रहे हैं। एक इंसान जो था यहाँ पे वो ये रिलेशनशिप में झूठ नहीं बोल रहा था, चीज़ें छुपा रहा था, तो दिस कुड बी एन इंडिकेशन कि शायद थर्ड पार्टी थी, और अगर थर्ड पार्टी नहीं थी तो मे बी उन्होंने लाइफ में कुछ ऐसे घपले किए होंगे जिसके कारण आपको उनको लीव करना पड़ा। एनर्जीज एक्सचेंज भी हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है कि काम के लिए ये इंसान कहीं और चले गए थे, तबादला हो गया था, ट्रांसफ़र हो गया था, और वहाँ पे शायद ये किसी से मिले होंगे, तो ये शायद रीजंस हो सकते हैं। लॉयर, जज, एडवोकेट भी हो सकते हैं। ट्रैवल का कार्ड है यहाँ पे, तो डिस्टेंस आप लोगों में है, तो शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप था और उसके दरमियान शायद कोई और तीसरा इंसान आप लोगों के बीच में शायद आ गया होगा। तो आगे हम देखेंगे ये रीडिंग में क्या कैसे फिट होता है। तो लेट्स सी कि आपके करंट फीलिंग्स क्या हैं, ये जिनको आप मिस कर रहे हैं, जिनके लिए आप पूछ रहे हैं कि उनके लिए वेट करना चाहिए है या आगे जाना चाहिए, ये फाइंड आउट करते हैं कि आपके उनके लिए ब्रेकअप के बाद की फीलिंग्स क्या हैं और आप क्या चाहती हैं राइट नाउ। व्हाट आर योर फीलिंग्स एंड व्हाट डू यू वांट राइट नाउ, लेट्स सी दैट। थर्ड पार्टी का सिचुएशन है यहाँ पे, बिकॉज थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, शायद आप शादीशुदा हैं, ये इन लोगों के लिए शायद ज़्यादा रेजोनेट होगा जो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो आप
कि यही फीलिंग्स हैं कि जो पार्टनर आपको छोड़ के गए हैं, आपका हंसता खेलता घर जो था उसमें उन्होंने ब्रेकअप किया है, आपका शायद आप लोगों में प्यार काफ़ी था या आप ये इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इन्होंने आपका दिल बुरी तरह तोड़ा है और वो कहीं और चले गए हैं और इसके कारण आपको लगता है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो गया है। राइट नाउ यू आर वेरी एंग्री, आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप ये इंसान को कभी फगिव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। बच्चे भी मुझे लगता है यहाँ पे हैं आपके, कि आपके लाइफ में बच्चे हैं और उनके कारण भी शायद आप बहुत दुखी हैं कि बच्चों को छोड़ा है, फैमिली को छोड़ा है, हंसते खेलते घर को छोड़ा है। तो राइट नाउ आप उनसे गुस्सा हैं लेकिन आप चाहते हैं कि वो आपके पास वापस आए और आपकी जो फैमिली है वो फिर से जुड़ जाए। ठीक है, आई एम सो सॉरी अगर आपको ये हो रहा है, तो आई अंडरस्टैंड कि आप कि लाइफ में इतनी नेगेटिविटी क्यों है और आप इतना नाराज़ क्यों हैं। मैं सोच रही थी ये टैरो ये स्प्रेड करूं या नहीं करूं, लेकिन आई थॉट कि अगर एक भी अगर कोई है जिससे जिनको ये रीडिंग देके कुछ गाइडेंस मिले या कुछ डिवाइन के थ्रू आंसर्स मिले, तो आई विल फील वेरी हैप्पी। तो देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप वेट कर रहे हैं, उनके ये सिचुएशन के बारे में करंट फीलिंग्स क्या हैं। ठीक है, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं और ये ब्रेकअप के बारे में फीलिंग्स क्या हैं, लेट्स फाइंड दैट आउट। ऑलराइट, ये इंसान भी काफ़ी हर्ट हैं, दुखी हैं, रात को नींद नहीं आती, दुख इनको ज़्यादा है क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है। लेकिन राइट नाउ इनकी मुझे ऐसे इंटेंशन या ऐसे फीलिंग नहीं लगती कि ये आपके साथ रिलेशनशिप में वापस आना चाहते हैं। इनके लाइफ में कुछ ना कुछ सीक्रेट्स अभी भी हैं, कुछ ना कुछ ये आपसे अभी भी छुपा रहे हैं, तो डटे हुए हैं कि शायद नहीं वापस जाना, आगे का मूवमेंट आपकी तरफ बढ़ने का जो मूवमेंट है वो नहीं लेने वाले हैं, खुद को स्टॉप कर रहे हैं आगे जाने से। शायद डरते हैं आपसे फेस टू फेस आने के लिए कि आपको मुंह कैसे दिखाएंगे, आपको ऑफ ऐसा लगता है उनको राइट नाउ कि आपको ऑफ़र करने के लिए उनके पास कुछ नहीं है, और कुछ ना कुछ इनके लाइफ में कुछ ना कुछ या तो ऐसे सीक्रेट्स हैं या शायद अल्कोहल बहुत पीते हैं, ड्रग्स करते हैं, कुछ एडिक्शन ज़रूर मुझे यहाँ पे इनके लाइफ में फ़िलहाल दिख रहा है। इनकी सिचुएशन राइट नाउ ऐसी नहीं है कि ये आपकी तरफ आएंगे या आना चाहते हैं। ये इंसान के आपकी तरफ मूव्स क्या होंगे, लेकिन उसके पहले रोमांस एंजल से देख सकते हैं, रिलीज़ योर एक्स है, ट्रू लव है एंड एक्सप्रेस योर लव है। तो आगे रीडिंग में देखेंगे क्या होता है, लेकिन मुझे ऐसे ही दिखता है कि अगर आप जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके जो एक्स हैं, शायद अगर आप उनको छोड़ेंगे तो ट्रू लव जो है वो आपके लाइफ में आएगा। ऐसा भी मुझे ये टेबल पे दिखता है कि शायद आपके लाइफ में कोई और है जो आप में इंटरेस्टेड है, लेकिन आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज आप चाहते हैं कि आपका एक्स पार्टनर वापस आ जाए, शायद ये भी हो सकता है। एनीवे हम देखते हैं कि उनके जो नेक्स्ट मूव्स हैं आपकी तरफ, क्लियरली दिख रहा है कि वो आपकी तरफ आना नहीं चाहते। अगर ऐसा हो कि वो आपके लाइफ में आ भी गए तो आपका रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा, कि अगर आपने कहा नहीं मैं उनके लिए वेट करूँगी, अगर वो मेरे लाइफ में आ जाएंगे तो शायद चीज़ें ठीक हो सकेंगी, नहीं तो हम टैरो से पूछेंगे कि अगर वो आपके लाइफ में आ गए तो आपका रिलेशनशिप क्या होगा, व्हाट विल बी द फ्यूचर इफ दिस पर्सन कम्स बैक इनटू योर लाइफ। ठीक है, अगर ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि आपको तो भी ये रिलेशनशिप में लोनली फील होगा, आपको तो भी ये रिलेशनशिप में अकेले फील होगा,
आप अकेले झगड़ा करेंगे फिर से ये रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए। ये इंसान जो है आपके साथ रिलेशनशिप में आके भी ऐसे बिहेव करेगा कि ये इंडिपेंडेंट है, ये बाहर जाके कुछ भी कर सकते हैं। आपको रिलेशनशिप में बहुत अकेला फील होगा। और सेवन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सेवन ऑफ सोर्ड्स का जब कार्ड आता है तो ये इंसान फिर से आपको चीट करने की संभावना है। और इनके लाइफ में जो इंसान है, ये इनके बचपन का प्यार है या इनके कॉलेज के कोई फ्रेंड है जिनके लिए ये शायद इन्होंने आपको छोड़ा है, तो ये वापस पॉसिबिलिटी है कि ये आपको हाँ बोलेंगे, आएंगे, लेकिन ये आपसे चीट करेंगे। तो बेसिकली आई एम सॉरी पाइल नंबर थ्री, लेकिन अगर ये इंसान आपके लाइफ में वापस आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। यहाँ पे अभी हमने कार्ड देखा है रिलीज योर एक्स, तो मैं आपके लिए टैरो से यही पूछूंगी कि अगर आप आपके पार्टनर का वेट नहीं करते हैं और आप इनको छोड़ देते हैं, इनको रिलीज कर देते हैं, तो और आप यू नो ट्रू लव तो डेफिनेटली लिखा है कि आपके लाइफ में ट्रू लव आएगा अगर आप आपके एक्स को रिलीज करोगे, तो हम कार्ड से कंफर्म करते हैं कि अगर आपके पार्टनर को आप छोड़ दोगे, आपके एक्स पार्टनर को, और आप नए प्यार की तरफ जाओगे, तो आपका ये नया जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा। ठीक है, यस, वन मोर कार्ड। ऑल राइट, टाइल नंबर थ्री। राइट नाउ आप दुखी हैं, आप हर्ट हैं, अगर बच्चे इन्वॉल्व हैं, डिवोर्स है, सेपरेशन है, आप शायद आपके एक्स से स्टिल प्यार करते हैं, यू नो मे बी आपने किसी और से प्यार नहीं किया, आपको पता नहीं है कि दूसरे से आप प्यार कैसे करोगे, लेकिन अगर आपने ये इंसान को छोड़ दिया है जिसके इरादे आपकी तरफ नेक नहीं है, अगर ये वापस आएंगे तो भी शायद आपका दिल तोड़ेंगे। अगर आप आपके ये एक्स को रिलीज़ करोगे तो आपके लाइफ में एक ऐसा इंसान आएगा जो आपके उम्र में आपसे काफ़ी ज़्यादा बड़े होंगे, लेकिन ये ऐसे इंसान है जिन्होंने दुनिया देखी है, ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको बहुत प्यार देंगे, आपके सोलमेट ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, दिस इज़ द मैरिज कार्ड, आपसे वो शादी करेंगे, आपको खुशियाँ देंगे, आपको यू नो दिस इज़ द कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन, दिस इज़ द कार्ड ऑफ जॉय, दिस इज़ द कार्ड ऑफ हैप्पी फैमिली लाइफ, दिस इज़ द कार्ड ऑफ फाउंडेशन है, स्ट्रक्चर है, तो जो शायद आपके शादी में अब तक नहीं था ये आपको मिलेगा अगर आप आपके एक्स को रिलीज करके आगे जाओगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बाकी के कार्ड्स इतने पॉजिटिव हैं, इसका मतलब है कि जो स्टेबिलिटी आपको चाहिए है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए है, इमोशनल स्टेबिलिटी चाहिए है, ये स्टेबिलिटी चाहिए है कि भाई आप आपके पार्टनर को ट्रस्ट कर सकते हैं, तो ये स्टेबिलिटी आपके पार्टनर आपको ज़रूर देंगे। बहुत प्रैक्टिकल इंसान होंगे, बहुत आपकी जो लाइफ होगी आगे जाके बहुत प्रैक्टिकल होगी, मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे, और लाइफ को कैसे फेस करना है वो आप में, इन इंसान जो नए इंसान आपके लाइफ में आएंगे उनके कारण आपको 100% यू नो शक्ति मिलेगी, ऐसा मुझे कार्ड्स कह रहे हैं। यस, तो आपको सिर्फ क्या करना है, हिम्मत करके, मन घट करके आपके एक्स को छोड़ना है और मूव ऑन करना है। फ्यूचर में आपका आउटकम क्या है, लायन का कार्ड है, हार्नेस द लॉयल एंड प्रोटेक्टिव ऑरा ऑफ द लायन एंड चार्ज अहेड मैग्निफिसेंटली। तो जैसे शेर है, जो भी उनके आजू बाजू हो रहा है, जो भी इर्द गिर्द हो रहा है, सिर ऊंचा करके कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ते रहते हैं, आपको ऐसा ही करना है। आपको आपके पार्टनर के लिए वेट नहीं करना है, ये इंसान ने आपका दिल तोड़ा है, आपके लाइफ में वापस आएंगे तो शायद वापस ये करेंगे, आपने बस उनको पीछे छोड़ के कॉन्फिडेंटली आगे जाना है। और अगर आप आगे जाएंगे तो आपको बहुत स्टेबल हैप्पी मैरिज ज़रूर मिलेगा। एंजल से हमने पूछा था कि आपके लिए कुछ एडवाइस है, तो इफ़ यू बिलीव इन द नियर फ्यूचर आस्क फॉर द एंजल्स एंड यस। तो अगर आप ये पार्टनर, आपके जो पहले वाले पार्टनर है, एक्स को
का अगर आप वेट करना बंद कर देंगे और आप आगे जाएंगे तो इन द नियर फ्यूचर आपको डेफिनेटली पॉजिटिव आंसर ही मिलेगा। आई नो आपको शायद ये आंसर नहीं सुनना है राइट नाउ, आप आपके एक्स के लिए वेट कर रहे हैं, लेकिन कार्ड्स आपके सामने शफल किए थे, जो निकला है वो मुझे आपको कहना है। आई नो इट इज़ नॉट ईजी और मैं समझ सकती हूँ व्हाट यू आर फीलिंग, लेकिन एक लाइफ होती है हमारी। जो इंसान आपको छोड़ के चले गया है उसके लिए लाइफ ना वेस्ट करें, प्लीज़ मूव ऑन, एंड बिकॉज बहुत पॉजिटिव आपके लिए आगे है। अगर आप यू नो और जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कोई यू नो यू कैन अगेन कंसल्ट विद सम जो टैरो पढ़ते हैं जिन पे आपका विश्वास है, बिलीफ है, आप उनको कांटेक्ट करें, आपके डिटेल्स दें तो एक पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं और देख सकते हैं कि उनका आपके लिए क्या एडवाइस है। लेकिन जो आज हमने ये देखा है पाइल नंबर 3, और अगर कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं जो आपसे रेजोनेट होती है तो इतना ही है कि प्लीज़ आपके एक्स के लिए ना वेट करें, उनके इरादे नेक नहीं हैं। एंड आप अगर जाएंगे तो आपके लाइफ में एक एम्परर आएगा, एक राजा के जैसे एक आदमी या औरत आपके लाइफ में आएगी जो आपको बहुत खुशी देगी। सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर पाइल नंबर 3। अगर ये आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। एज ऑलवेज़ प्लीज़ डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई। वॉट यू फोकस ऑन इज़ वॉट यू गेट, एंड आई विल सी यू इन योर नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच।